किसी को लग रहा है कि ये बच्चे बिहार टॉपर से कम है, तो जो भी बिहार में फर्स्ट टॉप किया है उनसे हम कड़ा चैलेंज लेना चाहेंगे कि वो आकर के इन बच्चों से कड़ा मुकाबला कर ले। अगर ये बच्चा उनसे हार जाता है तो हम कल से ही कोचिंग पढ़ाना छोड़ देंगे, जितना मेरा कोचिंग है त्याग दे देंगे, वो आकर के बिहार टॉपर से ले सकते। चलिए इसी क्रम में बात करते, सबसे पहले बाबू आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार। विनय कुमार, और ऐसे प्यार से आपका क्या नाम हुआ? प्रियांशु। प्रियांशु चौरसिया। आपका घर कहाँ पड़ेगा? डोरीगंज। माता पिता का नाम बताइएगा? पापा का नाम दिलीप कुमार चौरसिया और मम्मी का नाम सरिता देवी है। आप अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड क्यों है? सर क्योंकि हम जितना लिखे थे हमको उतना नंबर नहीं दिया है। बिहार बोर्ड पर आपको भरोसा है कि बिहार बोर्ड से भरोसा उठ गया? उठ गया टोटल। देखिए एक ही बच्चा नहीं, पूरे बिहार में अगर 16 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं तो 15 लाख बच्चे यही कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड से भरोसा उठ गया है। प्रैक्टिकल में आपको कितना मार्क्स मिला है? 35 मिला है। तो 35 मार्क्स मिला है और किसी स्कूल में 40 में 40। कौन से स्कूल से थे आप? तपसी सिंह स्कूल के प्रिंसिपल अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर के चुनाव में राय साहब कालिका सिंह अगर 40 में 40 दे देता है, रसलपुरा स्कूल में 40 में 40 मिलता है, तो आप बच्चों के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? अगर एक नंबर से बच्चा अगर टॉपर होने वाला होगा तो टॉपर से चूक जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ इंसाफी हुआ है कि बेईमानी हुआ है? बहुत बेईमानी हुआ है। आप मतलब हर पेपर में आप कितना कितना मार्क्स का लिख करके आए थे? हम सिर्फ साइंस में 2 नंबर का छोड़े थे, बाकी टोटल बनाए थे। मतलब 498 नंबर का लाए थे। इन बच्चा का थोड़ा सा राइटिंग कमजोर था, फिर भी राइटिंग पर कितना मेहनत किए थे? राइटिंग पे भी बहुत मेहनत किए थे। दो साल से कंटिन्यू, यानी कि बिहार बोर्ड में चमका करके राइटिंग पर मार्क्स मिलता है। हो सकता है आनंद किशोर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको खराब लग रहा होगा, लेकिन आनंद किशोर जी से भी कहेंगे कि जो टॉपर वेरिफिकेशन होता है या बच्चे का कॉपी होता है तो उसको गूगल पर अपलोड किया जाए। अगर ईमानदारी है तो टॉपर के कॉपी के साथ साथ सभी बच्चे को कॉपी पर, अब तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल पर अपलोड कर दे, सभी बच्चे जो है अपने कॉपी को देख लेंगे। चलिए आगे, तो आप तो असंतुष्ट हैं ही, कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे कम मार्क्स आया है? सर हिंदी में 80 दिया है। हिंदी में आप मेहनत किए हुए थे? यस सर, टोटल बनाए थे इसमें। चलिए हिंदी में लगातार चार पाठ का नाम बताइए तो हम जानेंगे। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है 20 के दांत, तीसरा है भाष्य हम क्या सीखे, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस बच्चे से केवल सिलेबस का नहीं, आउट ऑफ सिलेबस बीपीएससी यूपीएससी का, कहीं से जीके जीएस में भी किसी को पूछना होगा तो पूछ सकता है। बाकी हम पूछेंगे तो आपको लगेगा कि प्रायोजित वीडियो है, लेकिन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर हम इस बच्चे से लेते हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देता है। आइए धड़ाधड़ थोड़ा सा हमारे कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा फटाफट। ये बताइए मेदिनी किस देश का था? इटली। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। चलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। और नियामक सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र। रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। एक भी पत्रकार टॉपर का इंटरव्यू लेने गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप क्वेश्चन नहीं पूछा तो हो सकता है बहुत लोग ब्लेम करे कि आप क्यों नहीं चले गए, मेरा घर 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसी को क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना। हम लोग को भी संतुष्ट होना चाहिए कि क्या क्या होता है अंदर, चाहे क्या बच्चा से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बिहार बोर्ड से अगले आने वाले बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करिएगा? प्रार्थना करेंगे कि मतलब वो जो बच्चे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा इतना मेहनत किए, इतना अच्छा मार्क देगा, तो उनके फ्यूचर को लेकर टीचर को सीरियस लेना चाहिए और ढंग से कॉपी चेक करना चाहिए। अगर बिहार बोर्ड जिस तरीके से कर रहा है तो कितने बच्चे बिहार बोर्ड कॉपी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, उसका कौन देगा भरपाई, कौन करेगा? आज बच्चे ये तो इनके माता पिता चाहे जो भी घर परिवार अगल बगल के लोग हैं कि बच्चे को मोटिवेट करते हैं। चलिए मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद है, आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? सर यूपीएससी की तैयारी करके। यूपीएससी का पूरा नाम बताइए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, जितना नंबर है उस पर अब निगेटिव तो नहीं ना है? नहीं सर। आगे फ्यूचर में बढ़ना है ना? आगे यस सर, आगे बढ़े। चलिए कहाँ से अपने पढ़ाई किए थे? जीएसपी खलपुरा से किए थे। चलिए वहाँ पे कौन कौन सर पढ़ाते थे? चंदन सर पढ़ाते थे और दीप सर पढ़ाते थे। चलिए बहुत अच्छा लगा। और एक और आपसे क्वेश्चन ले लेना चाहेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ था? 431। देखिए 400 जिसको 499 का आशा है वो 431 नंबर लाता है, बहुत दुखद बात है। बिहार बोर्ड के जो भी पदाधिकारी है अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस बच्चे के साथ तो ना इंसाफी हो गया और ये सुधरेगा भी नहीं, कम से कम नेक्स्ट ईयर से ऐसा ना किया जाए ताकि सभी बच्चे पर प्रभाव ना पड़े, इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम लोग दूसरे छात्र से मिलने आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बाबू विक्रांत कुमार गिरी। आप कहाँ से हैं? शेरपुर। शेरपुर से। आपका कितना मार्क्स आया हुआ है? 427। कौन से स्कूल से थे आप? बी सेमिनारी। कितना आपको प्रैक्टिकल बनाना मिला था? 40 में 40। देखिए तपसी सिंह के प्रिंसिपल आप जरा ध्यान से देखिए, बी सेमिनारी पूरा टाउन में स्कूल है तो इसका प्रिंसिपल 40 में 40 दे देता है, आप सब लेके नंबर काट लेते हैं। धन्य है आप, आपको तो स्टोरी इंस्टाग्राम पर मेंशन किया जाएगा। तो आपको मतलब आप अपने नंबर से संतुष्ट है कि नहीं है? नाम थोड़ा असंतुष्ट है, 450 प्लस आना चाहिए। 450 प्लस आना चाहिए। बिहार बोर्ड से आप मार्किंग से अभी असंतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। चलिए कोई बात नहीं, आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? हम एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अपने पिताजी का नाम जरूर बताइए। आप कहाँ से पढ़े हैं? हम जीएसपी खलपुरा से पढ़े हैं। ऑनलाइन भी पढ़े हैं? हाँ ऑनलाइन पढ़े। कहाँ से? दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ बाबू? मंजीत प्रसाद। मंजीत प्रसाद जी आपका कितना नंबर आया होगा? 427। चलिए कौन से स्कूल से है? रघुवीर। आपको कितना प्रैक्टिकल में दिया?
एक में दिया 18, एक में दिया 16। वो तो रघुवीर राय के प्रिंसिपल तारू हमको लगता है कि का जाने का ना काम हो गया है। पड़ोस नंबर 468 नंबर आया था, उसको भी तार दिया और इसको भी तार दिया। वीडियो में खिलाओ ना। तीनों आदमी का खिलाई मिठाई आई है। बैठे तो बिहार बोर्ड मतलब इकरा जरे इंसाफी कहले बकि ना इंसाफी इंसाफी तो कहले वाले को कह रहे थे लोग हम जो बहुत मतलब देखिए थे। सही बात है। का कहे के चाह मांगे कि माने बुआ के भविष्य में भविष्य क्या बनावे चाहते बुआ के ये कह रहा है कि विचार तो कि आगे अब बढ़ के